वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अब ये केस चल रहा है रवीना टंडन और भारती सिंह और फराह खान की, उन्होंने किसी शो के अंदर जो ईसाई धर्म का एक पवित्र शब्द है हालेलुया, उसको गलत तरीके से पेश किया, उसको मजाकिया तरीके से पेश किया। तो खैर, उन लोगों ने माफ़ी भी मांग ली और उन लड़कियों पे, औरतों पे पहले एक केस दर्ज हुआ अमृतसर में, फिर प्लानिंग के तहत जगह जगह पे उनके ऊपर 3-4-5 केस दर्ज हो गए और बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कन्वर्टेड टट्टू हैं, अभी जो नए मैदान में आए हैं, बड़ा उनको बुरा लग रहा है और बड़े रोष में है टट्टुओं की फौज। तो एक, चलो उन्होंने गलती करी, उनको अनजाने में उन्होंने और कह दिया और उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। पर जो ये अब मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो अभी नए मैदान में आए हैं ना, जो अभी भी टट्टू बने हैं, है ना, 50,000 रुपये लेके या 1,00,000 रुपये लेके, अभी जिन्होंने अपने बाप दादाओं की परंपरा, अपने जो बाप दादाओं का धर्म छोड़ के अभी जो नए अभी मैदान में उतरे हैं ना, मेरा उन लोगों के लिए वीडियो है ये, जो असली में ईसाई है, क्रिश्चियंस हैं, है ना, जो असली में जीसस की असलियत, असली में जो उनकी शिक्षाएं उसको फॉलो करते हैं, उनके लिए नहीं है ये। अभी जो अभी मैदान में उतरे, नया नया जोश है, अभी गर्म खून है, है ना, अभी नया नया धर्म बदला है 50,000-1,00,000 रुपये लेके, और अभी ऐश मौज मस्ती हो रही है, उनके लिए मेरी वीडियो ये वाली। तो टट्टू, एक बात बताओ कि तुमने उन औरतों के ऊपर माफ़ी मांगने के बाद भी तुम लोग सड़कों पर उतरे हुए हो, जब तुम्हारे प्रीस्ट चर्च के अंदर नंस का रेप करते हैं, तब तुम लोग कहाँ जाते हो? तुम लोग कहते थे कि जो हमारा प्रीस्ट है वो सबसे अच्छा होता है, वी आर द बेस्ट, तुम यही कहते हो ना। तो जब तुम्हारे प्रीस्ट नन का रेप करते हैं चर्च के अंदर, जो पवित्र तुम्हारी जगह है जहां पे तुम प्रे करते हो, तब तुम लोग सड़कों पे नहीं आते? क्यों? तब भांडा फूटता है। इसलिए जब 50,000-1,00,000 रुपए देकर किसी के मजबूरी का तुम लोग फायदा उठाते हो, या किसी को उधार पैसा देते हो गरीब को, या उसके घर पे राशन डालते हो, बच्चों की फीस भरते हो, और जब वो चुका नहीं पाता तब उसका धर्म परिवर्तन करते हो, तब तुम लोगों का जमीर कहाँ मर जाता है? तब तुम लोगों का आत्मसम्मान कहाँ मर जाता है? कौन से गटर में जाके छुप जाता है तुम्हारा आत्मसम्मान? कौन से बिल में जाके छुप जाता तुम्हारा आत्मसम्मान? वाकई में तुम सड़क छापी हो, ये बात पक्की हो गई। अपने अंदर झांको थोड़ा सा। जब चर्च के अंदर, ये मैंने 3-4 पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं, काफी टाइम से मेरी नजरों के अंदर थे। चर्च के अंदर जब तुम सनातन धर्म के देवी देवताओं को राक्षस बताते हो, है ना, और बेकार इंसान बताते हो, तब तुम लोग सड़कों पर नहीं उतरते? तब तुमको बड़ा मजा आता है, जब तब तुम लोग तुमको बड़ी मस्ती छाती है वहां पे। तो और जब तुम चर्च के अंदर सिख गुरुओं को, हमारे गुरुओं को, जिनका कोई सानी नहीं है दुनिया के अंदर, उनको तुम गलत शब्द बोलते हो, मैं तो किसी वीडियो का वेट कर रहा हूं, मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, पर मुझे पता तो है कि तुम लोग बकवास तो करते हो। जिस दिन वीडियो हाथ लग गई, कोई प्रूफ हाथ लग गया, तुम लोगों का ऐसा जुलूस निकलेगा, तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे, तुम्हारा जो सर पे ये भूत चढ़ा हुआ है ना धर्म परिवर्तन करने का, सारा भूत तुम्हारा उतर के तुम्हारी हथेली में धर दिया जाएगा। मैं तो वीडियो को वेट कर रहा हूं मैं। तुम टटुओं का ऐसा जुलूस निकलेगा उस दिन, तुम जिंदगी भर याद रखेगा, ध्यान रखना। अभी तो तुम बहुत उछल रहे हो ना, अभी तुम जैसे गर्म पानी में अंडे उछलते हैं, उबले हुए अंडे, वैसे तुम उछल रहे हो सड़कों पर आके, तब बताएंगे उछलना किसे कहते हैं तुम लोगों का ना। एक, जब उन लेडीज ने, औरतों ने माफ़ी मांग ली है, तो तुम क्या दिखाना चाहते हो जगह जगह? अरे तुम 1,00,000 रुपए में अपना धर्म बेचने वालों, वाकई में तुम फड़क छाप हो। जो असली क्रिश्चियन है ना, वो क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, माफ़ करना सिखाती है। तुम लोगों ने एक्सेप्ट तो कर लिया पैसों के लालच में, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी के, जो ईसाई धर्म के जो रूल्स हैं, वो तुमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब तुम लोग झूठे हो भाई। धर्म यही कहता था कि माफ़ करो, है ना, सामने जब उन्होंने कह दिया, माफ़ी मांग लिया है, तुमको माफ़ कर देना चाहिए था। ये नकली ना, जो 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 ये बिके हुए लोग हैं, वही सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो असली है
उसने सुना, बुरा लगा, माफ़ी मांगी, उसने माफ़ कर दिया। और उन्होंने ये प्रे किया होगा कि ईश्वर इनको माफ़ करे और उन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये तो असली क्रिश्चियन की प्रे है। जो कन्वर्टेड टट्टू हैं, जो बिके हुए हैं, जो अपना ज़मीर बेच के बैठे हुए हैं, जो अपने घर को बेच के बैठे हुए हैं, अपनी आत्मसम्मान को 50,000 में बेच के बैठे हुए हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ठीक है, उनके भी उनको पैसे दिए जाएंगे। वेटिकन सिटी से उनके अकाउंट में पैसे आएंगे, जैसे उनको सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है कि तुम टट्टू हो, एक टट्टू नया बनाओ, कन्वर्ट करो, एक टट्टू एक नया बनाओ, तुमको 30,000-50,000 ऐसा कुछ है। इनकी डील है इनका कोई, जैसे वो FMCG कंपनियाँ होती है ना, जितना प्रोडक्ट की सेल उतना कमीशन, सॉरी उतनी कमीशन। ड्रग्स तुम्हारी देन, बार का जो चलन है, बियर बाकी जो चलन है वो तुम्हारा देन, उसके अंदर जो गंदे नाच होते हैं वो तुम्हारा है, वो तुमने पैदा किया दुनिया में। पोर्न इंडस्ट्री वो तुम्हारी है ना। शादीशुदा होने के बावजूद यहाँ पे कुत्ते के जैसे मुंह मारना, वो तुम्हारी संस्कृति है। जो कन्वर्टेड है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये सब तुम्हारी देन है दुनिया को। ऊटपटांग काम करना, सिगरेटबाजी, ये स्मैक वगैरह, हीरोइन वगैरह, चरस गांजा फूकना, ये तुम लोगों की देन है दुनिया को। फिर तुम किस हिसाब से कहते हो कि वी आर बेस्ट दुनिया के अंदर, जब इतने दुनिया के सारे बुरे कामों की, जो जितने भी ऊटपटांग सीधे ऊटपटांग काम है, वो तो सब तुम लोगों ने पैदा किया दुनिया के अंदर, फिर तुम कैसे कह रहे हो वी आर द बेस्ट। ज़्यादा मत उछलो, ठीक है, उन लोगों ने कह दिया, माफ़ी मांग ली है। अगर तुम असली कह रहे हो ना, तुम नकली हो, तुम वाकई में तुम लोग फड़क छाप हो। अगर तुम असली होते तो तुम उनको माफ़ कर देते, तुम असली नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारे खून के अंदर नहीं है। तुम पहले किसी और धर्म के थे, तुमने अपना धर्म, अपना ईमान बेचा 50,000-1,00,000 रुपये के लिए, 2,00,000 रुपये के, जितने के बेचा होगा। ये बात तो पक्की है कि इंडिया के अंदर जितने भी कन्वर्ट हुए हैं, 98% लोग, 99% लोग पैसे के बलबूते पे कन्वर्ट हुए हैं। और जो ये तुम हमारे गुरुओं को के लिए आप शब्द कह रहे हो ना अपने चर्च के अंदर, जिस दिन कोई वीडियो हाथ लग गई तो उस दिन तुम लोगों का ऐसा जुलूस निकलेगा इंडिया के अंदर, तुम लोग याद रखोगे। हमारी दोस्ती भी अच्छी है, दुश्मनी भी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो अपनी चड्डी में रहो। और एक वो जो 3-4 यूट्यूबर है, एक तो वो है, देखा था मैंने वीडियोस की, एंजल वी चंद्रा, पता नहीं क्या नाम है, ऐसा कुछ है नाम उसका, वो भी बहुत छलांगे मार रहा है। और भी जो कन्वर्टेड टट्टू हैं उछल रहे हैं, मतलब तुम लोग असली नहीं हो ना। तुमने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया पर तुमने रूल फॉलो नहीं किए तो क्या फ़ायदा भाई। ईसाई धर्म कहता है कि माफ़ करो, तुमने माफ़ नहीं किया, मतलब तुम लोग अंदर से झूठे हो, तुम लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे, तुम सिर्फ नाम के क्रिश्चियंस हो। जो असली है, जो सच में जीसस की टीचिंग्स को फॉलो करता है, उसने सुना, जैसे मैंने पहले बताया आपको, सुना होगा, उसको बुरा लगा होगा, पर उसने प्रे की होगी कि इनको माफ़ कर दो भगवान, क्योंकि यही तुम्हारी टीचिंग्स हैं क्रिश्चियनिटी की, कि माफ़ करना सीखो। तुमने माफ़ किया नहीं, मतलब तुम लोगों ने सिर्फ मुखौटा पहना हुआ है अपने चेहरे पर। मुखौटा उतारो, अपनी जो जड़ें हैं उनसे वापस जुड़ो जाके, ताकि तुम लोगों को पता लगे कि धर्म किसको कहते हैं। अपना ज़िंदगी को उसी जगह में ढालो, उसी रंग में ढालो जो तुम्हारा असली रंग है। कोई नकली रंग चढ़ाओगे ऊपर तो वो किसी दिन पानी की बौछार तेज पड़ेगी तो वो रंग उतर के नीचे ज़मीन पे आ जाएगा। तो टटुओं, ज़्यादा मत उछलो, ज़मीन पे रहो अपने, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर उन्होंने कह दिया, माफ़ी भी मांग ली है, माफ़ करना सीखो। तुम नकली हो, तुम फड़क छाप हो, ये मुझे पता लग गया है। जो तुम सड़कों पे उतरे हुए ना अभी, मुझे पता लग गया तुम्हारे अंदर कितना गूदा है तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो भाई जो मेरे दूसरे व्यूवर्स हैं, दोस्तों अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।